मैं हूँ शुभम, आप देख रहे हैं शुभम टेक। आज हम बाइक चलाने वाले हैं हमारी जो कि CG17KW9288। आप जानते हैं ये हमारी गाड़ी है, तो आज हम इसको चला के आपको बताने वाले कि अपना एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ, क्या हम फर्स्ट टाइम पे इसका एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब इसको मैं काफ़ी बार चला चुका हूँ, बट अभी मैं काफ़ी दिनों बाद अपने गाँव आया था, जो अपनी गाड़ी रहती है घर पर, तो अभी हम इसको चला के देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। वो सब हम आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आपको हेल्प होकर आप भी अगर शिफ्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो गाइज अभी हम चला के दिखाएंगे आपको, सबसे पहले कुछ दिखा देता हूँ। VXI है, तो कुछ इस टाइप के अपने की देखने मिलते हैं। स्विफ्ट VXI 2022 का वेरिएंट है, मतलब 2022 तेईस एक ही आ रहा है, बट इस टाइप की कुछ की मिल जाती है आप लोग को। दो फ्लिप की नहीं मिलती है, नॉर्मल सी मिलती है। और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको, देन इसको ऐसे ऑन करके, एसी वगैरह ऑन है, एसी ऑन भाई, इतना गर्मी हो रहा है यहाँ का टेम्परेचर, उस हिसाब से एसी चालू करके। तो अभी फर्स्ट एकदम आपको स्टार्ट करके दिखाता है। सबसे पहले हम नॉर्मली इसको उठाते हैं। इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 88.50 bhp का मिलता है, और इसका टॉर्क की बात करूं तो 113 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलती है, जो कि स्विफ्ट के हिसाब से काफी अच्छी बात है। फोर सिलेंडर 1.2 पेट्रोल इंजन जो देखने को अपने को मिलती है साथ में। तो भाई ऐसा कुछ नॉर्मली हम उठा देते हैं इसको। तो अभी सेकंड गियर शिफ्ट करती है। एक बार मैं आप लोग को भाई इसका विंड स्पिन चेक कराऊंगा इस गाड़ी का, कि कैसा आप लोग को देखने को मिलता है। पहले ये कुछ भाई साहब आ रहे हैं आगे से, उनको वर्टिक मतलब चले जाने दो, देन उसके बाद एक बार आप लोग को इस व्हील स्पिन दिखाता हूँ, जो कि कैसा आपको आउटपुट देता है सिर्फ, जो कि डुअल जेट वाला है भाई। तो ये मैंने स्टॉप कर दिया है, ये फर्स्ट गियर पे लगा दिया, देन रेव द इंजन एंड भाई 5000 आरपीएम पे जाने के बाद 40 की स्पीड, मतलब एकदम व्हील स्पिन बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आप लोग को आवाज आ गया होगा तो, नहीं आएगा तो माफी चाहूंगा, बट व्हील स्पिन काफी अच्छा हो जाता है इस गाड़ी के साथ। और उसके बाद सेकंड गियर से अभी कर रहे हैं, सेकंड में कितना जाता है वो देखते हैं पहले। सेकंड पूरा मैंने एक्सीलेटर दबा दिया है, 5-6000 आरपीएम पहुंच गया, और 90 भाई 6500 के बाद ना 90 पे ऐसा बूम पूरा पावर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद अभी इसको पहले थर्ड लगा देते हैं, मोटर को ज्यादा रेफ नहीं करेंगे, कर तो दिए हैं वैसे, हालांकि फिर भी यहाँ थोड़ा ना भाई गांव देहात वाला एरिया तो ज्यादा गाड़ियां नहीं आती, बट आते रहते हैं। तो डिटेल एक एक चीज छोटा छोटा हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आज स्विफ्ट का, कि टॉप स्पीड क्या है, स्पीड कितने जाता है। तो अभी एक बार थर्ड पे देखते हैं भाई, थर्ड पे क्या है। जैसे टर्निंग वगैरह भी आ रहा है ना, काफी अच्छा टैकल हो जाता है। और भाई छोटी गाड़ी है, चाहे सिटी में चलाओ कहीं भी चलाओ, एकदम इजीली मुड़ जाती है, हर एक चीज हो जाता है। तो भाई हम लोग तो इसको फुल रेंज है भाई, दिख रहा होगा आप लोग को, बाकी अभी फिफ्थ में डाल दिए, 90 में जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है भाई अभी फिलहाल। और भाई इसको हैंडल करना ना बहुत इजी है, इसको एक हाथ से चलाओ, दो हाथ से, मतलब कैसे भी चलाओ भाई, स्विफ्ट है, स्विफ्ट लेते हैं भाई अपने शौक के लिए। मेरा भी एक चाइल्डहुड का ड्रीम था कि स्विफ्ट चाहिए, तो स्विफ्ट उसी लिए हमने लिया है। तो ऐसा कुछ अभी चल रहा है गाड़ी भाई। अब एक बार ना अभी मैं इस गाड़ी की बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग जो है ना, जैसे इनिशियल इसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा ना इस पे पावर थोड़ा कम लगता है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मेरा एक भाई बैठा है गाड़ी पे, और गाड़ी पूरा खाली है, तो उसमें क्या है उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा जहाँ चढ़ाव वगैरह है वहाँ पे फर्स्ट गियर में क्या होता है कि थोड़ा सा पावर गाड़ी ना जब फर्स्ट गियर में छोड़ते हैं क्लच, तो पावर थोड़ा सा कम देना स्टार्ट कर देता है, उससे ना थोड़ा सा वो होता है ड्राइवर को चलाने वाले को, और पावर नहीं है भाई टाइप वाला फील आता है। बट उतना कुछ इशू नहीं है, आराम से आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं सिटी पे। सिटी पे देखो जो ARI माइलेज है वो 22-23 है, और जो सिटी का माइलेज है वो 20 का बताता है। अभी हम माइलेज भी टेस्ट करेंगे कि 1 किलोमीटर पे कितना चलता है, 1 लीटर पे कितना चलता है, वो सब हम धीरे धीरे वीडियोस लेके आएंगे। बाकी हम एक बार ना भाई एक ऐसे आपको मोड़ के दिखाता हूँ कि कितना टर्निंग रेडियस इसका कम है। अभी मैं रोड पूरा नहीं उतारा, ये देखो ये छोटा सा रोड है, और रोड पे मैं इसको टर्न करके दिखा रहा हूँ आपको। भाई स्विफ्ट ना चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है, बट अगर पेट्रोल की बात करो तो थोड़ा सा वो दिक्कत जाता है। इनिशियल उतना बेस्ट नहीं है, बट ठीक ठाक है इनिशियल। और अगर मिड टॉप की बात करें, मिड में भाई थोड़ा सा ना बढ़िया तो पावर देना स्टार्ट कर देता है 2000 आरपीएम के बाद, मतलब अड़ी अपना स्विफ्ट वो 2000 आरपीएम के बाद ना, भले आप कोई से भी गियर पे रहो, आपको ऐसा जान देता है ना गाड़ी, तो चलाने में मजा आता है। उसके बाद जैसे इनिशियल वो थोड़ा सा ठीक है, फिर मिड टॉप भी ठीक है, उसके बाद जो जो टॉप एंड है ना वो फिर ना
थोड़ा सा ना यार केबिन नॉइस है इस पे, क्या है VXI पे 14 इंच का स्टील रिम मिलता है, बट हमने जेन्युइन सुजुकी का वो 14 इंच का एलॉय व्हील डलवाया, बट विंड नॉइस और जो केबिन नॉइस है टायर्स का वो काफी ज्यादा इसमें आना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर आप देखे होंगे कभी स्विफ्ट चलाए होंगे ऐसा कुछ भी, तो विंड जो टायर्स का जो साउंड है ना वो काफी ज्यादा आता है, और 110 ऐसे जब स्पीड पे जाता है ना गाड़ी, मतलब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं चलाया हूँ 110 पे जाने पर ना थोड़ा सा डिसबैलेंस होना स्टार्ट कर देती है टायर, गाड़ी ना ऐसे ऐसे होना स्टार्ट कर देता है। तो ये था कुछ अपना ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अभी थोड़ा सा इसको अभी चला के और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे चलने में। तो अभी थर्ड गियर पे है, और आप भाई स्विफ्ट को कैसे भी चलाओ आपको 15 के ऊपर ही माइलेज मिलने वाला है, भले आप रेंदो कुछ भी करो, ये एक बेस्ट चीज है। बाकी गाड़ियां जैसे बहुत कम हो जाता है फिर माइलेज, जैसे हमने बुलेरो रखा है माइलेज कभी देखते भी नहीं है, बट फिर भी यार माइलेज वाले रहते हैं उस हिसाब से माइलेज टेस्ट करेंगे। बाकी भाई स्विफ्ट चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी खाली आप इंजॉय करो चलाने का। 100 के स्पीड पे है, 2500 RPM यहाँ पे टच कर चुका है, और यहाँ टर्निंग वगैरह है, ये देख सकते हैं गाइस कि काफी मतलब अच्छा हैंडलिंग है स्विफ्ट का। मेरे ख्याल से स्विफ्ट लेते भी इसीलिए छोटा गाड़ी छोटे फैमिली के हिसाब से, और भाई चलने में भी बहुत अच्छी गाड़ी है और हैंडलिंग भी बहुत सही है भाई इसका। अभी 110 120 पे चल रही है बट कुछ दिक्कत नहीं जाता है भाई, जो बाकी गाड़ियां ना थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट कर देते हैं, बट इस पे केबिन नॉइस काफी ज्यादा है, जैसे आपने यहाँ सुना है विंड नॉइस भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा कुछ करना मतलब क्या कर सकते हैं, अब लिए हैं तो चलाना तो पड़ेगा ही। बाकी यहाँ से और एक बार टर्न ले लेते हैं, देख सकते हैं गाइस जैसे मैंने अभी मोड़ा है उस हिसाब से एक बार भगाते हैं फिर से गाड़ी को थर्ड गियर पे, देखते हैं भाई कितना जाने वाला है, वो तो 60 में गया था सेकंड गियर पे, थर्ड पे चेक करते हैं। छोटी गाड़ी है कहीं भी चलाओ कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं देता है, वो एक प्लस पॉइंट है अपनी स्विफ्ट का। और अगर आप पिकअप ज्यादा चाहते हैं, टॉर्क जिसको बोलते हैं, वो अगर ज्यादा चाहते हो तो आप स्विफ्ट की तरफ मत जाइए, आप दूसरी गाड़ी आपके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें मतलब वो जो इनिशियल जिसे मिलता है ना पावर, वो आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, वो के लिए आपको दूसरा गाड़ी जाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए स्विफ्ट, मारुति सुजुकी का एक बेस्ट प्रोडक्ट जो कि स्विफ्ट है अभी, अगर अरेना वगैरह जैसे इस बजट के मैं बात करूं, अगर स्विफ्ट जो लवर्स है वो कुछ भी रख दो स्विफ्ट लवर्स के सामने, वो तो प्रिफर ही यही करेंगे कि भाई स्विफ्ट लेना है भले वो कुछ भी कैसे भी हो। तो वही सब कुछ था भाई स्विफ्ट लेने का रीजन, लेकिन गाड़ी बहुत तगड़ी है भाई कुछ भी बोलो। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा इसके एक एक पॉइंट के बारे में, ज्यादा दिन नहीं रहेगी अपने पास ये गाड़ी, अब अभी हम सेल आउट करने का सब प्लान चल रहा है तो उसका हम बताएंगे कि क्या सीन रहता है। बाकी तो भाई चला ही रहे हैं, अभी हम चला चुके हैं 16,898 और इसमें से मैं बहुत कम चलाया हूँ, मुश्किल से मैं 500 भी नहीं चलाया होऊंगा, उससे ज्यादा मेरे पापा जी और भैया चलाए हैं, तो उनसे मैं एक ऑनर्स रिव्यू लूंगा इस गाड़ी का कि कैसा था, तो उसके लिए थोड़ा सा ना टाइम वो नहीं हो पा रहा है, और मेरे पापा डेली इसी को लेके स्कूल जाते हैं और अपना पर्सनल जो काम है घर पे बिजनेस वगैरह उस पर भी चलता है, तो दोनों भाई और पापा दोनों चलाते हैं, तो उसका एक रिव्यू करेंगे आराम से, बस थोड़ा सा टाइम जमना चाहिए कि दोनों एक साथ रहे और मैं भी फ्री रहूं। तो ऐसा है कि पापा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता, भैया बिजनेस वाले उनको थोड़ा नहीं मिलता, मैं ऑटोमोबाइल ब्लॉगर हूं और साथ में पढ़ाई करता हूं तो मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो वो सब चीजों को थोड़ा मैनेज करके देखना पड़ेगा।
बाकी भाई आप देख रहे हैं हम अभी गांव मतलब छोटे एरिया में है, ऐसे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंगपल्ली करके उसी के पास पे है हम, हमारा दादी गांव है तो वहीं पे चला रहे हैं अभी। तो खैर ऐसा कुछ था अपना पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ स्विफ्ट VXi, और रिव्यू कैसा लगा आपको ये चीज बताना कमेंट में, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए श्योम ऑटोटेक को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा एक लाइक करें, और ऐसे ऑटोमोबाइल वीडियो देखने के लिए श्योम ऑटोटेक को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।